पाकिस्तान जहां जाता है वहां अपनी फजीहत ही करवाता है, फिर चाहे कोई नेता हो या पत्रकार। अपने कामों से देश के अंदर तो पाकिस्तान आर्थिक तंगी और बदहाली की मार झेल ही रहा है, लेकिन बाहर से भी जिल्लत की मार झेलने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने अपनी इज्जत की किरकिरी करवा दी। पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी प्रवक्ता से भारत से बात करवाने की इतनी गुहार कर दी कि उससे तंग आकर अमेरिकी प्रवक्ता ने उसकी जमकर क्लास लगा दी। दरअसल यूनाइटेड नेशन के मंच पर अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने बार बार अमेरिकी प्रवक्ता से पूछा कि अमेरिका भारत से पाकिस्तान की बातचीत क्यों नहीं करवा रहा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज के पत्रकार जहां जैब अली ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस से पूछा, पाकिस्तान ने कई बार भारत के साथ शांति वार्ता करने की पेशकश की, लेकिन भारत सरकार इससे बचने की कोशिश करता है। इसलिए जब आप भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं तो वो क्या कारण बताते हैं? भारत लंबित मुद्दों पर पाकिस्तान से क्यों बात नहीं करना चाहता है? इसके जवाब में नेड प्राइस ने कहा, हम रचनात्मक बातचीत का समर्थन करते हैं। हम भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे पुराने विवादों को हल करने के लिए कूटनीति का समर्थन करते हैं। हम एक भागीदार हैं और किसी भी तरह से दोनों की बातचीत हो इसका समर्थन करते हैं, लेकिन बातचीत का फैसला दोनों पड़ोसी देशों को खुद करना होगा। ये अमेरिका का काम नहीं है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के तरीकों को तय करे। पाकिस्तान को भारत से बात करने की इतनी बेताबी थी कि अमेरिका के साफ शब्दों में कहने के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान को खुद बातचीत करने का फैसला करना होगा। अली ने नेट प्राइस से बार बार यही सवाल पूछा। एक बार फिर पाकिस्तानी पत्रकार ने अपनी बात को दोहराते हुए नेट प्राइस से पूछा, कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के पास दोनों देशों पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता करने की शक्ति और अधिकार है, तो आप मध्यस्थता क्यों नहीं करवाते? बार बार इसी सवाल से नेट प्राइस बिदक गए और पाकिस्तानी पत्रकार को फटकारते हुए कहा, क्योंकि ये फैसले देश खुद लेते हैं। अगर वो अमेरिका की किसी विशेष भूमिका के लिए सहमत होते हैं तो अमेरिका दोनों देशों के सहयोगी के तौर पर उस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तैयार है, जो हम जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ये फैसला नहीं कर सकता कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से किस तरह बातचीत करें। हम जो कर सकते हैं वो है रचनात्मक बातचीत का समर्थन। हम लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक बातचीत और कूटनीति का समर्थन करते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नेट प्राइस पाकिस्तानी पत्रकारों की ऐसे लताड़ लगा रहे हों। इससे पहले इस साल जनवरी में भी BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जलील अफरीदी नाम के एक पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी थी। नेट प्राइस ने कहा था कि उन्हें BBC की डॉक्यूमेंट्री के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिका और भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के ऐसे साझा मूल्यों के बारे में जानकारी है जो दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाते हैं। नेट प्राइस के इस जवाब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।